मेरे पीछे देख रहे हैं वो है टेड बीएफ। टेड बीएफ का मतलब होता है ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर। इसे खास तौर पर भारतीय नौसेना की जरूरतों के लिए, जरूरतों के लिहाज से इसे बनाया जा रहा है। लेकिन अब सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। आपको बता दें कि भारत में अब तक ऐसा कोई स्वदेशी फाइटर जेट नहीं है जो कि फाइटर जेट्स पर, खासकर युद्धपोतों पर जो है वो आसानी से लैंड कर जाए, फाइटर जेट्स से वो ऑपरेट हो सके। अब तक इस काम के लिए भारतीय सेना दूसरे देशों पर निर्भर थी, लेकिन अब भारत ने पहली बार ऐसा फाइटर जेट बना लिया है जिसके बाद आपको किसी विदेशी या दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है जो है ये बड़ी खास है। खास कैसे है? अब फाइटर जेट के लिहाज से इसके विंग्स को जो है वो फोल्डेबल बनाया गया है, यानी ये जो विंग्स हैं ये फोल्ड भी होंगे। जब ये उड़ रहे होंगे तो ये बिल्कुल पूरा विंग खुला होगा। जब इनको रखना होगा डेक में, जब वापस युद्धपोत पर जाएंगे, तब इनके विंग्स को ये फोल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी अगर क्षमता की हम बात करेंगे आपसे, तो इसकी क्षमता भी दमदार है। ये इस वक्त जो आप मॉडल हमारे सामने देख रहे हैं, ये टेड बीएफ का एक डमी मॉडल कह सकते हैं। और ये इसमें लगा हुआ है एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। और ये जो है ये 4.5 जनरेशन के राफेल और सुपर हॉर्नेट के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। इसकी जो स्पीड है वो 1.6 मैक की है। और ये जो विमान है, जो एक्चुअल विमान होगा, वो 16.2 मीटर लंबा होगा। और ये मल्टी रोल एक फाइटर जेट होगा। आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे हथियार भी लगे हैं। अगर आप पॉड्स देखेंगे तो तकरीबन इसमें 9 पॉड्स आपको दिखाई देंगे, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ और बीच में एक, यानी इसमें कुल मिलाकर 9 पॉड हैं। और ये एक कह सकते हैं कि इसमें तमाम तरह के जो हथियार है वो लगाए जा सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि विमान को हवा से हवा, हवा से ज़मीन पर मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस कर सकते हैं। इसमें ब्रह्मोस अस्त्र जैसे कई मिसाइल जो हैं वो लग सकते हैं। और इसमें भी एयर रिफ्यूलिंग के लिए एक खास तरह का जो सिस्टम है वो विकसित करने की बात हो रही है। आपको बता दें कि इसमें भी अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से इसमें रिफ्यूलिंग होगी, लेकिन हाँ, ये जगह आप आगे का इस हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर एक एयर रिफ्यूलिंग के लिए वो जगह दी गई है जहाँ से इसे हवा से हवा में रिफ्यूल करने की व्यवस्था जो है वो की गई है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका भारत को और भारतीय नौसेना को लंबे समय से इंतजार था। आप भी देखिए कितना अद्भुत है ये भारत का टेड बीएफ, यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जेट।